हाय गाइस नमस्कार है। रास्ते में कितना बंदर है देखिए। अभी बासुकीनाथ आ गए दोस्तों, बाबा देवघरनाथ यहाँ जल उल चढ़ा के दोस्तों क्लियर हो गए। ठीक है हाँ चलो चलो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पूजा हो गया भोलेनाथ का। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बासुकीनाथ चलना है। देखिए पूरा मंदिर, ये देखिए भोलेनाथ का मंदिर है दोस्तों, ये पार्वती का मंदिर है और उधर हनुमान मंदिर है, मनसा देवी है, माँ तारा है। ठीक है दोस्तों, ये सूर्यनारायण का मंदिर है, देख लीजिए ये सूर्यनारायण का मंदिर है। ठीक है, इस तरह से चारों बगल मंदिर है दोस्तों, आप यहाँ कर लिए दोस्तों। ठीक है चलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, घर से जो निकला था दोस्तों जल भरने के लिए, जल भर के गंगा जी से दोस्तों बाइक के द्वारा यहाँ बाबा बासुकीनाथ तक आ गए दोस्तों, सॉरी बाबा देवघर बैद्यनाथ धाम तक आ गए दोस्तों, और यहाँ से अब बासुकीनाथ चलना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक अंत करते हैं दोस्तों। दूसरा ब्लॉग के लिए दोस्तों यहाँ से देवघर से निकलते हैं दोस्तों, उसके लिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बासुकीनाथ से या बीच से ठीक है अंत घर तक पहुँचाएंगे दोस्तों। हाय गाइस नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सजूरी ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं देवघर बाबा धाम से दोस्तों पूजा करके निकल चुका हूँ दोस्तों, और कुछ ही देरी दस लगभग 10-12 किलोमीटर आए हैं दोस्तों, और यहाँ आके बारिश देने लगा दोस्तों, बारिश में फंसे हुए हम लोग। अभी एक कटरला दुकान है दोस्तों, इसी जगह बैठे हैं, देखिए सबके सब बैठे हैं दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, हम लोग बारिश में छुपे हुए हैं यहाँ दोस्तों। बारिश खत्म होने के बाद यहाँ से निकलेंगे दोस्तों बासुकीनाथ। ठीक है दोस्तों, फिर वहाँ पूजा करेंगे, फिर आप लोग को वीडियो वहाँ का शूट करेंगे, उसके बाद वहाँ खाना पीना खाएंगे, बहुत प्रसाद खरीदेंगे, और उसके बाद ऐसा होगा समय देखते हुए दोस्तों, अगर समय बचेगा तो घर निकल जाएंगे, या बारिश देते रहेगा तो कोई छुपने का उपाय लगाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों आप लोग से बार बार निवेदन करते रहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल घंटी को दबाएँ, और मेरे चैनल पर कॉमेंट लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं देखिए अभी देवघर से बाबा धाम से आ रहे हैं दोस्तों, बासुकीनाथ जा रहे हैं। बारिश हुआ था दोस्तों, वहाँ बैठ गए थे, आपको दिखा भी किए हैं दोस्तों, और उसके बाद बीच में दोस्तों त्रिकुट पहाड़ पड़ता है दोस्तों, जो कि मैं सोचा यहीं से दर्शन करते चले जाएँ थोड़ा त्रिकुट पहाड़ का, इसलिए यहाँ भी देखिए दोस्तों क्या आएगी। देखिए यहाँ हम लोग सब पूरा ग्रुप परिवार है दोस्तों, जा रहे हैं रास्ते में थोड़ा सा त्रिकुट पहाड़ दर्शन कर लेते हैं, और आप लोग को भी करवाते हैं। देखिए ये त्रिकुट पहाड़ है दोस्तों, ये देखिए बहुत लंबा पहाड़ है दोस्तों, और बहुत चौड़ा पहाड़ है चारों बगल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए वहाँ जो दोस्तों लिफ्ट देख रहे हैं, वो सबसे ऊंचा दोस्तों वो लिफ्ट है, वह शायद आपको नहीं दिखता होगा दोस्तों यहाँ से, क्योंकि बादल लगा हुआ दोस्तों, बारिश पड़ रहा, हमारे लोग का कपड़ा भी भींगा हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ बंदर का ज़्यादा बदमाशी है दोस्तों, यहाँ बहुत बंदर है और कुत्ता वगैरह सब, अगर ज़रूरत पड़ा तो दोस्तों आपका हाथ का सामान छीन लेगा बंदर, बिना डंटे को भागता नहीं है। देखिए खा रहा है, देखिए हमारे सामने देखिए कितना बंदर है, देखिए एकदम चारों बगल बंदर भरा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए वहाँ भी है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए वो लिफ्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो लिफ्ट है दोस्तों। ठीक है, तकरीबन 150 रुपया लेता है एक आदमी का दोस्तों, नीचे से ऊपर जाने का। ठीक है, देखिए यहाँ कितना बंदर वगैरह सब है दोस्तों, देखिए वो छोटा छोटा बंदर बहुत अच्छा देखने में लगता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ कितना, ये देखिए बंदर का खाली बच्चा सब है, देखिए पेड़ पौधा पर कितना बैठा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, ये
स्टैंड है दोस्तों, यहाँ बस वगैरह सब सवारी उतरते हैं, गाड़ी लगे रहते हैं, जिसको खाना पीना बनता है, जिसको खाना पीना बनाना है दोस्तों वो अपना यहाँ के गाड़ी खड़ा करके बना सकते हैं, और जिसको यहाँ त्रिकुट पार्क का भ्रमण करना होगा दोस्तों वो करेंगे दोस्तों, और लिफ्ट द्वारा ऊपर चढ़िए उतरिए, कोई दिक्कत नहीं और ज़्यादा कोई खास नहीं है। एक तो बीच में दोस्तों वो बीच बीच जो ये खंभा के बीच में दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें एक मंदिर है भोलानाथ का और सब देवी देवता का मंदिर बनाया हुआ दोस्तों, मैंने पहले दर्शन कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग का पूरा ग्रुप यही है दोस्तों। ठीक है, हाँ भाई ना, ये देखिए कितना बंदर आ गया, दौड़ते दौड़ते देखिए देखिए कितना है, लगता है कि जैसे पूरा बंदर का ही ज़्यादा खेती है यहाँ दोस्तों, आबादी बंदर का बहुत ज़्यादा है यहाँ। देखिए कितना छोटा छोटा बंदर है, मोटरसाइकिल पर देखिए पीठ पर बैठ के बच्चे खेल रहे हैं दोस्तों अपने मम्मी के गोद में, देखिए वो बाइक के बगल में देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उस पर है देखिए कितना दीवार पर खड़ा है दोस्तों, ये देखिए पीठ पर कैसे खेल रहा है, देखिए अपने मम्मी के पीठ पर खेल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और चलिए दोस्तों देखते हैं उधर भी आप लोग को कुछ शेयर करते हैं। दोस्तों हम लोग देखिए बासुकीनाथ से नहीं सब, चलिए दोस्तों हम लोग देवघर से बासुकीनाथ आ गए हैं दोस्तों, झारमुंडी दुमका में पड़ता है दोस्तों, अब हम लोग पैर हाथ धोने शिवगंगा जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर पूजा करने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत भींग है दोस्तों, इधर बारिश होते रहा है दोस्तों, हमारे उधर तो बारिश हो नहीं रहा है दोस्तों, लेकिन इधर बारिश देखिए हो रहा है सर, पूरा कपड़ा गीला हो गया है दोस्तों, क्या करें, और गीला होने के कारण दोस्तों मौसम भी एकदम पानी पानी है दोस्तों, शरीर ठंडा हो गया है एकदम, फिटर रहे हैं ठंड के मारे दोस्तों। चलिए पूजा वूजा कर लेते हैं दोस्तों, नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद पूजा करके आप लोग से मिलते हैं दोस्तों। शिवगंगा में गया है मेरा वाइफ वगैरह सब पैर हाथ धोने के लिए, उसके जल संकल्प कराएंगे उसके बाद फिर। ठीक है दोस्तों, ओ हाँ शिवगंगा में पैर हाथ धो रहा है दोस्तों, ये बासुकीनाथ का शिवगंगा है दोस्तों, देख लीजिए अंदर में जितना भी देख रहे हैं ये दोस्तों टेंट वगैरह सब, ये दुकान है दोस्तों, फूल वगैरह सब जलपान जल वगैरह सब बेचने का दोस्तों, पंडा सब बैठते हैं संकल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जल संकल्प करवा रहे हैं दोस्तों, वहाँ भी करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सावन का महीना आते हैं ना दोस्तों, तो इस तरह से इसे घुमाते घूमते जल भरिया सबको जल लेके मंदिर जाने का आदेश है दोस्तों। अच्छा अभी भीड़ नहीं है दोस्तों, हमारा वाइफ सब आ रहा है, हम भी जा रहे हैं पैर हाथ धो लेते हैं, चलिए हम भी लोग भी धो लेते हैं पैर दोस्तों। ठीक है, हम भी पैर हाथ धो लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर जल संकल्प कराते हैं। जल को संकल्प करा के मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं दोस्तों। दोस्तों क्या है कि मंदिर में सरकारी पूजा हो रहा है दोस्तों, इसलिए हम लोग को बैठा दिया, गेट बंद कर दिया, अंदर पूजा हो रहा है इसलिए हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं दोस्तों गेट खोलने का। गेट खुलेगा उसके बाद फिर जाके जल अर्पण करेंगे दोस्तों शिव भगवान को भोलेनाथ को। देखिए हम लोग कर दिए, सब बैठे हैं दोस्तों पार्टी में, चलिए दोस्तों गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, जब गेट खुलेगा तब हो कर जाएंगे अंदर। ठीक है दोस्तों, देखिए रात में बासुकीनाथ आए दोस्तों, पूजा वूजा सब कर ली दोस्तों, और पूजा वूजा जल चढ़ाने के बाद दोस्तों नमकीन खाना खा के दोस्तों, काफ़ी रात हो गया दोस्तों और बारिश पड़ रहा था, कपड़े वपड़े भीगे थे दोस्तों, घर तो नहीं लौट सके दोस्तों, लेकिन यहाँ एक रेस्टोरेंट में दोस्तों डेरा लिए, रात में यही हम लोग रेस्ट किए, ये बेड है दोस्तों, रात भर यही सोए हैं, 300 रुपया में डेरा लिए दोस्तों रात भर के लिए। ठीक है दोस्तों, खाना अपना अलग से खाए और बाकी सब सुविधा था दोस्तों, रात में तो अब सोए, सुबह हो गया दोस्तों, सब उठे हैं, कोई सोच पहुँच के लिए चले गए हैं सब मिलके दोस्तों, कोई कुछ कर लिए फ्रेश हो गया है दोस्तों, अब यहाँ से निकलेंगे दोस्तों तकरीबन 1 घंटा बाद निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे अगले ब्लॉग में। All right, all right.